आज़ादी से लेकर आज तक कई बड़े घोटाले लोगों के सामने आए हैं, जिससे देश को हजारों करोड़ों के नुकसान का सामना करना पड़ा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही घोटालों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। हर्षद मेहता घोटाला। साल 1990 से 92 का समय बड़े बदलाव का वक्त था, जिसमें देश ने उदारवादी इकोनॉमी की तरफ चलना शुरू ही किया था। तब मेहता ने धोखेधड़ी से बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट को करीब 5000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। स्टाम्प पेपर घोटाला। कई हजार रुपए करोड़ के स्टाम्प पेपर घोटाले की शुरुआत 90 के दशक में शुरू हुई थी। इस घोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी ने पहले तो स्टाम्प पेपर बेचने का लाइसेंस लिया, फिर नकली स्टाम्प पेपर छापने लगा। 2006 में कोर्ट ने तेलगी पर 30 साल की सजा के साथ 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि पिछले साल उसकी मौत हो चुकी है। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला। अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इसमें कई भारतीय राजनेताओं व सैन्य अधिकारियों पर अगस्ता वेस्टलैंड से मोटी घूस लेने का आरोप है। इस करार में 360 करोड़ रुपए के कमीशन के भुगतान का आरोप लगा। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए आवंटित हुए 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भारी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इस घोटाले की लपेट में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ सरकारी अफसर भी लिप्त थे। कैग ने इस घोटाले में भी सरकार को अरबों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। भारत में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम के दौरान खरीद फरोख्त और टेंडर को जारी करने में बड़ा घोटाला सामने आया था। इसमें खरीदे गए सामान का दाम कई गुना बढ़ाकर सरकार से पेमेंट का भुगतान कराया गया था। जांच एजेंसी द्वारा इसके लिए आयोजित समिति को जिम्मेदार बताया गया, जिसका केस आज तक चल रहा है। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला। कैग द्वारा 2012 में अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार पर आरोप लगाया गया कि 2004 से 2009 तक की अवधि में कोयला ब्लॉक का आवंटन गलत तरीके से किया गया। बाद में CBI की जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई। PNB फ्रॉड केस। CBI ने अरबपति ज्वेलरी डिजाइनर नीरव मोदी और उनके साझेदार मेहुल चौकसी के पासपोर्ट को रद्द कर दिया है। वे दोनों पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी 150 गारंटी पत्रों के जरिए 11,400 करोड़ रुपए से अधिक के कथित फर्जी लेनदेन में मुख्य आरोपी हैं। तो ये थे अब तक के देश के वो सबसे बड़े घोटाले जिन्होंने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया।